दोस्तों मैं भी क्या स्टोरी यूट्यूब पे लेके आऊँ। इस बार टेनिस स्टडी रिगार्डिंग जो प्लेयर है वो है ATP 19 नंबर 3 और जो सीडेड हुए हैं नंबर 1 नोवो जोकोविच। स्टडी रिगार्डिंग पोस्ट मैच टेनिस पर वीडियो लेके आऊँ जो उनका मैच था जैनिक सिन्नर के साथ मैच है। इटली के प्लेयर हैं, शानदार प्रदर्शन करते हैं और शानदार प्रदर्शन इस बार भी किया, बट जोकोविच ने फाइनली सेट हासिल जीत लिया। 3 सेट जीते और मैच भी जीता, नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए हैं, सेमीफाइनल में पहुंच गए। लगातार 26 मैचेस जीत चुके हैं विंबलडन में दोस्तों, शानदार प्रदर्शन करते। अगर वो ऐसा ही प्रदर्शन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि वो अपनी 7वीं विंबलडन टाइटल जीत जाएंगे दोस्तों। जैनिक सिन्नर ने शानदार प्रदर्शन किया था, पहले 2 सेट्स अप भी थे बट उसके बाद जोकोविच ने लेवल ज़्यादा रेज कर दिया और सिन्नर का लेवल इतना रेज नहीं हो पाया और सिन्नर हार गए, जोकोविच जीत गए दोस्तों। इसे रिगार्डिंग पोस्ट मैच टेनिस से लेके आया हूँ। वीडियो में बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको यही बता देना चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो ताकि सारी की सारी दोस्तों आपको अपडेट्स मिल सके। अब बढ़ते हैं पहले सेट की ओर। पहले सेट के ओर बढ़े तो जोकोविच ने शुरुआत ही शानदार की थी। पहले हुआ 1 love 2 love 3 love कर दिया, आते ही सर्विस गेम ब्रेक कर दी जैनिक सिन्नर की ओर, जो नंबर 1 फेवरेट माने जा रहे थे कंटेंडर जो कभी टाइटल के लिए और जो मैच के लिए, वो आते ही शुरुआत डांस हुई है। फाइनली सिन्नर अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रख पाए। अब लग रहा था कि जो कभी पहला सेट कंफर्टेबली जीत जाएंगे बट जो कभी की कंफर्टेबल नहीं करने दी क्योंकि जो कभी की सर्विस गेम ब्रेक की उन्होंने वापसी और मैच ले आए 4-4 पे 5-5 पे बराबर ले आए मैच। जैसे ही 5-5 पे बराबर मैच हुआ उसके बाद जोकोविच की उन्होंने सर्विस गेम भी ब्रेक किया, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 7-5 से उन्होंने जीता पहला सेट शानदार प्रदर्शन करके। पहला ब्रेक डाउन होने के बावजूद सिन्नर ने 2 ब्रेक उनकी कन्वर्ट की जोकोविच की और पहला सेट जीता, तो ये काफ़ी काबिल तारीफ है क्योंकि बिग 3 के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन डाउन होने के बाद सेट जीतना शानदार प्रदर्शन माना जाता है और शानदार प्रदर्शन किया जैनिक सिन्नर ने। सेकंड सेट की बात करें तो सेकंड सेट में सिन्नर का और काबिल तारीफ प्रदर्शन। पहले तो दोनों सर्विस गेम 1-1 हुई, उसके बाद सिन्नर ने सर्विस गेम कन्वर्ट की 2-1 की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा 3-1 किया, उसके बाद फाइनली जो कभी अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रख पाया 2-3 हुआ, फिर सिन्नर ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा 4-2 किया, फिर सिन्नर ने उनकी सर्विस गेम ब्रेक की 5-2 की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा 6-2 से सेकंड सेट भी जीता। जोकोविच जो नंबर 1 फेवरेट लग रहे थे अब वो हो गया अनफेवरेट, क्यों? क्योंकि सिन्नर जीते हैं 2 सेट और जोकोविच अभी तक 8 सेट भी नहीं जीते, 0 सेट जीते हैं जोकोविच। बट हमें पता है क्वार्टर फाइनल से पहले लोरेंजो मुसेट्टी का जब मैच हुआ था 2021 फ्रेंच ओपन में तब भी अच्छा खेला था। बोलर बात है मुसेट्टी बाहर चले गए थे, रिटायर्ड हो गए थे बट वो लव 4 आ था, डबल ब्रेक कर चुके थे मुसेट्टी लव। उसके बाद सीसी पास लव 2 सेट डाउन होने के बावजूद भी फिर भी जोकोविच जीते, तो दोस्तों शानदार प्रदर्शन करते हैं जोकोविच 5 सेट में। और हमें पता ही है रॉजर फेडरर से भी 2 चैंपियनशिप पॉइंट डाउन होने के बाद भी वो चैंपियनशिप जीते थे 2019 के फाइनल में, उसे कोई नहीं भूल सकता। तो जोकोविच माने जाते हैं शानदार कमबैक के लिए। बिग 3 वैसे देखा जाए सारे प्लेयर माने जाते हैं कमबैक करने के लिए और बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, जोकोविच ने भी ऐसा ही किया। पहले तो 1-1 सर्विस गेम पे अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, उसके बाद अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, फिर उनकी सर्विस गेम ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, देखते 1-1 से 4-1 कर दिया जोकोविच ने। फाइनली सिन्नर अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रख पाया, जोकोविच भी अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा 5-2 हुआ, फिर सिन्नर अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, फिर अपनी सर्विस गेम पे जोकोविच ने होल्ड रखा 6-3 से 3rd सेट भी जीता। 4th सेट की बात करें तो 4th सेट और 1st सेट एकदम बराबर रहा सिन्नर की, 4th सेट और 2nd सेट एकदम बराबर रहा। 4th सेट जीते हैं जोकोविच, 2nd सेट जीते हैं जैनिक सिन्नर जीते थे 6-2 से, इस बार नोवाक जोकोविच जीते हैं 6-2 से। जोकोविच ने इस बार आते ही सर्विस 2 बार ब्रेक कर दी थी, 1 love 2 love 3 love 4 love, जो ब्रेक सिस्टम है वो सेम नहीं था बट स्कोर सेम था, 1 love 2 love 3 love 4 love किया। फाइनली सिन्नर अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रख पाए, उसके बाद जोकर ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, सिन्नर ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, जोकर जो अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखे थे ब्रेक पॉइंट आया भी था बट उसके बाद वो नीचे गिर गया। लग रहा था कि वो रिटायर हर्ट नहीं हो जाए, आगे हमने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को खो दिया है, मतलब खोने का मतलब ये है कि वो मैच से दौरान रिटायर हो गया और विंबलडन में नहीं खेल पाए, तो हम ये नहीं चाहते कि एक और बेहतरीन खिलाड़ी अभी टूर्नामेंट से बाहर हो जाए या अगले टूर्नामेंट में नहीं खेले। बट सिन्नर को इतना प्रॉब्लम नहीं हुई, वो मैच में कंटिन्यू रहे, वो वाला सेट तो हारे 6-2 से। अब 5th सेट की ओर बैठे तो 5th सेट में भी शानदार प्रदर्शन रहा नोवाक जोकोविच था। पहले तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके शुरू में तो सर्विस गेम बराबर ही 1-1, उसके बाद जोकोविच ने सर्विस गेम उनकी ब्रेक भी की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड भी रखा, उसके बाद एक बार नहीं 2 बार सर्विस गेम ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखते रहे। जब चैंपियनशिप था उनके पास 1-2 बार मौका भी था सिन्नर के पास करने का शॉट, जैसे वॉली मार दे, 2 बार वॉली नहीं लगी, ओवरहैंड नहीं लगा,
मतलब अपॉर्चुनिटीज थी, बट लास्ट में थोड़े ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्रूशियल पॉइंट्स थे, वो अननेसेसरी गए हैं। अनफोर्स आ रहा है, ये नहीं है कि फोर्स आया किसने किया, अनफोर्स आ रहा है। और जोकोविच ने शानदार प्रदर्शन करके ये सेट जीता, मैच जीता, लव टू से ट्रेल कर रहे थे और वो जीत गया 3-2 से, शानदार प्रदर्शन किया दोस्तों। और जो सेट का स्कोर है 5-7, 6-2, 6-3, 6-2, 6-2, शानदार प्रदर्शन किया जोको ने दोस्तों। जोकोविच पहुंच गए आठ सेमीफाइनल में, अब उनका मैच होगा कैमरन नूरी के साथ, जो ज़्यादातर फेवरेट माने जा रहे हैं। और कैमरन नूरी का मैच चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है नूरी जीते, उनका अपोनेंट भी जीत सकते हैं। आप बताएं कि क्या लगता है कि कौन जीतेगा, नूरी जीतेगा या उनका अपोनेंट जीतेंगे, और जोकोविच के साथ नूरी का मैच हो तो नूरी जीतेंगे या दूसरे प्लेयर जीतेंगे, अपनी राय बताएं। और उसके बाद अगर मैं स्टैट्स को नज़र डालूँ तो एसी से दोनों ने बराबर लिए, 8 एसी जोकोविच ने लिए, 8 एसी लिए दूसरी ओर जैनिक सिन्हा ने, पर जो डबल फॉल्ट है वो जोको ने कम किए और सिन्हा ने ज़्यादा किए, 60 डबल फॉल्ट किए जोको सिन्हा ने और 5 डबल फॉल्ट किए जोकोविच ने। दूसरी ओर देखा जाए तो जो टोटल पॉइंट्स जीते हैं, टोटल पॉइंट्स भी जोकोविच ज़्यादा जीते हैं 141 और सिन्हा जीते हैं 124, 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है तो काफ़ी होता है 20 पॉइंट का। जोकोविच ने तीसरा चौथा पाँचवें सेट में बहुत अच्छी गेम की है। आगे देखा जाए उसके बाद ब्रेक पॉइंट्स जो कन्वर्ट हुए, ब्रेक पॉइंट्स 4 बार कन्वर्ट कर चुके हैं, 5 बार सर्विस ब्रेक पॉइंट सेव भी किया जोकोविच ने, 5 आउट ऑफ 9, 4 बार ब्रेक पॉइंट सेव करने में कामयाब नहीं रही। और दूसरी ओर सिन्हा 4 बार ब्रेक पॉइंट्स कन्वर्ट करने में कामयाब रही जोकोविच का। अगर हम देखें जोकोविच की नज़र से तो जोकोविच ने 6 बार सर्विस गेम ब्रेक की है, देखा जाए 8 तो पहले सेट में सर्विस गेम ब्रेक की थी, थर्ड सेट में उन्होंने 8 सर्विस गेम ब्रेक की थी, 2 रेड, 4 सेट में भी 2, 5th सेट में भी 2, तो 6 बार सर्विस गेम ब्रेक की है। शानदार प्रदर्शन किया जोकोविच ने, जोकोविच चाहेंगे ऐसी परफॉर्मेंस रखे और सेमीफाइनल में भी जीते क्योंकि सेंटर कोर्ट में वो हारे नहीं है कब से, और अगर वो ऐसा ही खेलते रहे तो इस बार भी विंबलडन का 7वीं बार टाइटल उठा लेंगे, रॉजर फेडरर से सिर्फ 8 टाइटल दूर रहेंगे उनके रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए। और अगर वो टाइटल जीत जाते हैं तो रॉजर फेडरर 20 ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। इस साल राफेल नदाल ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत के रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा था, तो क्या जोकोविच भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे दोस्तों, चांसेस तो बहुत ज़्यादा है जैसे वो प्रदर्शन करें। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ढेर सारा प्यार देते रहना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।